केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले के खिलाफ आज कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। बसपा और आरजेडी जैसी पार्टियों ने भी बंद का समर्थन किया है। बिहार में भारत बंद का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में बंद समर्थक सड़कों पर जुटे हुए हैं। ये लोग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके साथ ही उन पर पानी की बौछार भी की गई है। वहीं यूपी के मेरठ में एक और बसपा, सपा, भीम आर्मी आदि ने इस फैसले का विरोध करते हुए अलग अलग जुलूस निकाला है। इन लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया है। वहीं वाल्मीकि समाज ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। वाल्मीकि समाज से जुड़े लोगों ने मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कहा है कि वह अपना हक लेकर रहेंगे। उधर जिला मुख्यालय पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पहले आपको ले चलते हैं बिहार, यहां पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। अब मेरठ में फर्स्ट बाइट डॉट टीवी के कैमरे ने इन पलों को कुछ इस तरह से कैद किया है, देखिए। अगर किया है तो अनुशासन के बल पे किया है। आप लोगों को अनुशासन नहीं तोड़ना है और अनुशासन के साथ अपना हम काम करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो भी आदमी हो वो दो आदमी आ जाए। यहाँ उधर लगवा लीजिए, यहाँ से डाल लीजिए, है ना, ये सारे वाहन हटा लीजिए यहाँ से। जो हम बंद का समर्थन करने आए हैं, ये सभी लोगों के वाहन हैं, 11:30 बजे तक चले जाएंगे। जी साइड में लगा लीजिए, हाँ इधर रोड पर, हाँ इधर जी साइड में लगा लीजिए यहाँ से, क्योंकि फिर अगर मान लीजिए भीड़ ज़्यादा आएगी तो फिर वो नहीं हो पाएंगे। हाँ 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 बिल्कुल 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 हटवा दीजिए। ठीक ठीक इस बारे में आजाद समाज पार्टी से जुड़े मोहम्मद अनस ने यह कहा। भारत बंद की अपील करना क्या कहना है? देखिए, भारत बंद की अपील
जो ये चली है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी इसका पूर्ण समर्थन करती है और आज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का पूरा संगठन पूरे हमले के साथ अपने हक के लिए लड़ रहा है, अपने हक के लिए लड़ने के लिए घरों से निकला है। और आज का जो है हमारा प्रोग्राम है ये हमारे सागर भाई संस्थापक सदस्य आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में डीएम साहब को महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा जिसमें निम्न मांगे हैं वो सारी चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। कितने मांगे हैं क्या है उसमें निम्न मांगे हैं वो सारी चीज़ें प्रेस नोट में हैं वो आपको दे दी जाएंगी। जो वर्गीकरण है वर्गीकरण नहीं होना चाहिए और दूसरा जो उसमें क्रीमी लेयर है वो सारी चीज़ें ये तमाम हमारे एससी एसटी समाज को सिवाय नुकसान के इसमें कुछ नहीं है और ये क्रीमी लेयर का जो कानून है इससे जो एससी एसटी समाज को उनका हक हमेशा से मिलता रहा है जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में हक दिया है उस हक से वंचित रखने की कोशिश है, नाकाम साजिश है जिसमें हम केंद्र और राज्य सरकार को कामयाब होने नहीं देंगे। उधर मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने फर्स्ट बाइट डॉट टीवी से यह कहा। सर आज भारत बंद का ऐलान है, क्या पूरा मामला है, इसके अंदर क्या क्या तैयारी की गई थी? नहीं देखिए विभिन्न संगठनों द्वारा और कई संगठनों को पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट भी किया कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने और उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था जिसके तहत कई संगठनों द्वारा आज कलेक्ट्रेट में आके ज्ञापन दिया गया है या तहसील परिसरों में ज्ञापन दिया गया तो सभी लोगों को टाइप करके ज्ञापन के लिए अधिकारी एसडीएम स्तर के एडीएम स्तर के हैं वो उनके ज्ञापन लगातार ले रहे हैं। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है पूरे शहर में या जनपद में कि कहीं पर यातायात बाधित हो या कहीं पर भी कोई दुकानें बंद हो, कोई आम जनमानस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सभी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं। बाकी शांतिपूर्ण तरीके से अपना मेमोरेंडम को संगठन दे रहे हैं जिनको लिया जा रहा है। सर आज भारत बंद का ऐलान है, क्या इसके अंदर आपने ज्ञापन दिया, किसी ज्ञापन दिया, क्या पूरा मामला? ये हमने ज्ञापन दिया है, एडीएम साहब आए थे, डीएम साहब कोर्ट में बैठे हैं। ये ज्ञापन जो दिया है ये आरक्षण में वर्गीकरण करने के जो भाजपा ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो हमारे लोगों पे अत्याचार करना चाहती है, जुर्म करना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आरक्षण में वर्गीकरण करना चाहती है, क्रीमी लेयर लागू करना चाहती है, तो इसको हम मंसूबे उनके पूरे नहीं होने देंगे भाजपा के। दूसरी बात यह है कि सारा समाज आज दलित समाज यहाँ भारत बंद में सब समर्थन कर रहा है और सब में रोष है कि इनको दलिती समाज दिख रहा है, इनमें आपस में फूट डालना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं कि बाबा साहब ने उन लोगों को इकट्ठा किया था जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जिनके साथ छुआछूत होते हैं, जिनके साथ मतलब अत्याचार और जुल्म होता है, उन लोगों को इकट्ठा करके आरक्षण की व्यवस्था की थी कि अपने आप को आगे बढ़ाएं, ऊपर करें, तो अब इस चीज़ को छीनना चाहती है। आज दलित समाज कुछ अपने आप में आगे बढ़ रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसको ये बैक पे लाना चाहते हैं, उससे गुलामी कराना चाहते हैं, जो बर्दाश्त नहीं होगा। आरक्षण विरोधी है ये सरकार जो भाजपा की है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आपको ये बताना चाहते हैं। दलित समाज कह रहा है कि कोई मतलब बंद हमने होने देंगे, क्या है इसमें, क्या कह रहा है, बंद नहीं होने देंगे, ये तो भारत बंद का ऐलान है ना। हाँ देखिए ये कुछ लोग जो फूट डालना चाहते हैं, जो वर्गीकरण करने की बात जो कर रहे हैं, तो ये भाजपा इसी तरीके का तो काम करें, हमें आपस में भिड़ाना चाहते हैं। जो आरक्षण का फायदा सभी को होगा, जो पढ़ेगा, जो लिखेगा, जो स्कूल जाएगा, जो नौकरियों पर जाने की कोशिश, उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिसको ये छीनना चाहते हैं। पहली बात तो इन्होंने जो आरक्षण में आरक्षण की बदौलत जो हमारी वैकेंसियाँ हैं वही पूरी नहीं की हैं, तो हम लोग सब विरोध में हैं इनके, भाजपा के ये ढोंग रस्ते हैं, ये अत्याचार और जुल्म करना चाहते हैं। पूरे देश में दलितों पे अत्याचार हो रहा है, पूरे देश में दलितों की महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। तो इस सरकार को, इस सरकार के खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके समर्थन किया है, हमारे सब समाजवादी पार्टी के सारे लोग इस समर्थन में, इस भारत बंद के समर्थन में हैं और हम दलित समाज पर अत्याचार नहीं होने देंगे। हम 2 अप्रैल के आंदोलन में जेल गए थे, हम पे रासुक अलग ही थी। 2 अप्रैल के आंदोलन में एससी एसटी एक्ट में जो इन्होंने संशोधन करने की कोशिश की थी उसको भी इन्हें बहाल करना पड़ा था। बैक फुट पाएगा देख लेना। 15 साल से जो आदमी सत्ता पर काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद है, तो यही तो सोचता है, अब वे सारे बंद है, उन्हें भागने कहाँ से, यहाँ सारे बंद है, यही हाल यहाँ होगा, ये ढूंढे नहीं मिलने के, जनता बहुत गुस्से में है।
ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्होंने बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ, अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आए थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस, ये निपटेगा, चूक रहेगी, और रहेगी चूक। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।